गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो दोस्तों, आज की डेट में स्मार्टफोन का मार्केट इतना जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है कि अगर आप लोग आज की डेट में कोई स्मार्टफोन खरीदते हो तो 2-3 महीने के बाद ही वो आप लोगों को पुराना लगने लग जाएगा, क्योंकि तब तक कुछ ना कुछ नए फीचर्स वाला स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हो गया होगा। वैसे ही आज की डेट में अगर आप लोग कोई ट्रेडिशनल लॉन्च वाला स्मार्टफोन खरीदते हो, देन ऑनेस्टली 2-3 महीने बाद आप पछताने वाले हो, क्योंकि आज की डेट में वाटर ड्रॉप नॉच ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग कोई ऐसा स्मार्टफोन लो जो थोड़ा सा लंबा चल पाए, देन आप लोगों को टोटल बेजललेस नॉचलेस वाले स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, जो अभी कुछ ही टाइम से मार्केट में आना शुरू हुआ है, इसलिए अभी काफी कम स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप लोग अभी इस टाइम पर कोई स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हो और अगर आप लोगों का बजट अच्छा है, तो आपको बेजललेस स्मार्टफोन की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि 2019 में ऑलमोस्ट सारे ही स्मार्टफोन बेजललेस होने वाले। तो अगर आप लोग आज कोई बेजललेस स्मार्टफोन खरीद लेते हो तो 2019 में भी आप उसे आराम से यूज कर सकते हो, आपको कभी भी पुराना वाला फील नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को top 3 बेजललेस स्मार्टफोन बताने वाली हूँ, और अच्छी बात यह है कि इन सभी स्मार्टफोन में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर मिल जाएगा। तो इस लिस्ट में नंबर 3 पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है वीवो की तरफ से, वीवो नेक्स्ट, जो दिखने में काफी कमाल का स्मार्टफोन है। एंड इसमें आप लोगों को 6.5 के नीचे इसका फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 12+5 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ। बट इस फोन में कुछ चीजें ऐसी भी है जिससे आपको काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक वाला फील आएगा। जैसे जब आप फ्रंट कैमरे को ऑन करोगे तो फ्रंट कैमरा ऑटोमेटिक पॉपअप होके ऊपर आएगा, जो काफी कमाल का लगता है। एंड इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा, जो अभी तक कुछ ही स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। एंड एक और अच्छी चीज कि इस लिस्ट में ये सबसे ज्यादा बैटरी वाला स्मार्टफोन है, जो है 4000 mAh का। अब रही बात इस फोन के प्राइस की, तो जो इसका बेस वेरियंट है 8GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला, उसका प्राइस है 45,000 rupees। अब इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो आता है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो फाइंड एक्स। एंड ये स्मार्टफोन भी काफी अच्छा एंड अट्रैक्टिव दिखता है। एंड इसमें आपको 6.42 इंचेस का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। मतलब ये फोन वीवो नेक्स्ट से थोड़ा छोटा है, लेकिन इस फोन को जब आप पहली बार देखोगे तो आपको फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा दोनों ही नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब आप कैमरा ऐप को ओपन करोगे तो मोटराइज्ड कैमरा बाहर निकल के आएगा दोनों ही फ्रंट एंड रियर कैमरास के लिए, जिससे ये फोन भी आप लोगों को काफी फ्यूचरिस्टिक वाला फील देगा। एंड इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा 25 मेगापिक्सल का एंड बैक कैमरा मिल जाएगा 16+20 मेगापिक्सल का। मतलब इसमें आपको कैमरा तो काफी बेटर मिलने वाला है वीवो नेक्स्ट से। बाकी इसमें आपको 3730 mAh का बैटरी मिल जाएगा। एंड अगर बात करें इस फोन के प्राइस की, तो ये फोन थोड़ा महंगा है। मतलब जो इंडिया में मिल रहा है वो है 8GB रैम विद 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस है 60,000 rupees। अब इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो स्मार्टफोन आता है वो अभी तक तो इंडिया में नहीं आया है, पर दिसंबर में इंडिया में आ जाएगा। बट ये फोन चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और इस फोन को मैंने नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये फोन सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, मतलब इस लिस्ट में सबसे चीप स्मार्टफोन भी है। तो इसमें भी आपको 6.4 इंचेस का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, 12+12 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरा एंड 24+2 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ। बट इस फोन में आपको मोटराइज्ड फ्रंट कैमरा तो नहीं मिलेगा, खुद ही को ऊपर की ओर थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा इस फोन में आपको 3200 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जो बेस वेरिएंट है वो है 6GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 35,000 रखा गया है चाइना में। तो इसी प्राइस के आसपास ये फोन इंडिया में भी लॉन्च होगा। तो अगर आप लोग दिसंबर तक वेट कर सकते हो तो आपको एक काफी अच्छे प्राइस में एक अच्छा बेजललेस स्मार्टफोन मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा ओप्पो फाइंड एक्स एंड वीवो नेक्स्ट भी काफी अच्छे ऑप्शन है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वो भी ले सकते हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन तीनों स्मार्टफोन में से सबसे अच्छा स्मार्टफोन कौन सा लगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।